आगे देखते हैं हम. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. आगे आपको आगे हमको चार्ली ये बताते हैं कि वो कॉरिडोर, ये देख सकते हैं आप इस तरीके के जो है ये आपका कॉरिडोर है, तो इस तरीके का कॉरिडोर जिसमें से उन्होंने शुरुआत की थी वो एंगलिंग लेफ्ट. एंगलिंग लेफ्ट मीन्स जो हमारा लेफ्ट का साइड होता है उसी की तरफ एंगल करना, मीन्स आपका ये कॉरिडोर है और ये यहाँ से वो लेफ्ट की ओर जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ से वो लेफ्ट की ओर जा रहे हैं मीन्स वो एंगलिंग लेफ्ट हुआ. और स्लांटिंग डाउनवर्ड मतलब ये यहाँ से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो और डाउनवर्ड मतलब नीचे आते जा रहे हैं, जो कि उनको बहुत गलत लग रहा है. लेकिन उनको गलत लग रहा है कि वो गलत जगह में जा रहे हैं, फिर भी वो चलते ही रहते हैं, वो वहाँ पे वॉकिंग करते ही रहते हैं. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ शॉल. आगे वो ये बताते हैं कि उस जगह में उनको जो चीज़ सुनाई दे रहा था, जो आवाज़ें आ रही थी, वो सिर्फ उनके फुट स्टेप्स मतलब वो जो चल रहे थे तो उनके पैर का जो आवाज़ आ रहा था सिर्फ उनको वही आवाज़ सुनाई दे रहा था वहाँ पे, और कोई भी लोग वहाँ पे नहीं थे. देन आई हियर दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. अब कुछ देर के बाद क्या होता है कि उनको जब वो चलते रहते हैं तो इनको एक हॉलो रोअर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है. इस तरीके का कुछ ओपन स्पेस दिखाई देता है मतलब एक खुला हुआ जगह दिखाई देता है जहाँ पे वो देखते हैं कि अब लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब देखिए यहाँ पे फाइनली जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे ऑथर पहुँच चुके हैं तो आके वो बताते हैं कि जो उनका टनल था, ठीक है, मतलब वो जो कॉरिडोर पे टनल पे आगे चल रहे थे ना, तो वो लेफ्ट में चलते चलते जब जाते हैं तो उनको कुछ सीढ़ियाँ मिलते हैं, स्टेयर्स मिलते हैं, और जैसे वो उन स्टेयर्स उन सीढ़ियों से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे फाइनली वो पहुँच चुके हैं. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ देर के लिए तो उनको ये लगा कि वो दोबारा से सेकेंड लेवल पे आ गए हैं. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. ठीक है, जैसे कि चार्ली ने ये बताया कि कुछ देर के लिए तो उनको ये लगता है कि वो वापस से सेकेंड लेवल पे आ गए हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ का जो रूम्स है, जो कमरे हैं, वो क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं. मींस जो सेकेंड लेवल का था उससे छोटा छोटा है. ठीक है, जो सेकेंड लेवल का रूम्स था उससे वहाँ का रूम बहुत छोटा होता है. वहाँ पे टिकट विंडो इस तरीके का आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ टिकट विंडो. तो इस तरीके का जो टिकट विंडो था वो बहुत ही फ्यू था मतलब कम था, और जितने भी ट्रेन गेट्स थे वो भी कम थे. जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में, मीन्स ये जो बना हुआ है देख सकते हैं आप, ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन बूथ. ये जो इन्फॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो आपका वुड मीन्स लकड़ी का था, और ओल्ड लुकिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुराने ज़माने का है. एंड द मेन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स. और वहाँ उस मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो आदमी था, ठीक है, वो टिकट देने वाला जो मैन था वो क्या पहना हुआ था, ग्रीन आई शेड. ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर पहना हुआ था. ठीक है, स्लीप प्रोटेक्टर क्या होता है, ये जो हमारा हाथ है यहाँ पे अगर लॉन्ग बोल रहे हैं मीन्स यहाँ तक, तो जो बाह को कवर करने के लिए हम लोग जो वियर करते हैं पहनते हैं वो होता है हमारा स्लीप प्रोटेक्टर्स. तो वो बता रहे हैं कि वो ग्रीन कलर का आई सेट पहने हुए थे और साथ ही साथ एक लॉन्ग स्लीप प्रोटेक्टर ब्लैक कलर का वो वियर किए हुए थे. The lights were dim and short of flickering. वहाँ का जो light था बहुत ही ज़्यादा धुंधला था और flickering था मतलब अस्थायी था. Then I saw why they were open flame gas light. उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों था जब उन्होंने देखा तो वो देखा कि ओपन फ्लेम गैस लाइट. ओपन फ्लेम मीन्स आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ओपन रहता है, इसको हम ओपन फ्लेम गैस लाइट बोलते हैं. फर्दरली
There were brass spittoons and on the floor. आगे वो बताते हैं कि फ्लोर पे क्या था, brass spittoons. Brass spittoons क्या होते हैं आपके, पीतल के बने हुए जो थूकदान होते हैं, ठीक है, जिसपे लोग स्पीट करते हैं, थूकते हैं. तो वहाँ पे brass spittoons था फ्लोर पे. And across the station, a glint of light caught my eye. और वो बताते हैं कि उस स्टेशन पे जो रोशनी थी, जो लाइट आ रहा था, वो उनके आँखों में क्या कर रहा था, ग्लिंट कर रहा था, चमक रहा था, चुभ रहा था. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. और वो जो लाइट था वो कहाँ से आ रहा था, बताते हैं वो आगे कि एक आदमी था और वो जो मैन था वो अपने पॉकेट से गोल्ड का वॉच निकाला था. जो गोल्ड वॉच निकाला था उसी के वॉच का जो लाइट आ रहा था उसी का रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, चार्ली के आईज में चुभ रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन शूट विथ टिनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुशेक. ओके, आगे वो बताते हैं कि जब वो जो मैन था, यहाँ पे वो मैन का ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, और ये मैन कौन है, जिनके पॉकेट से गोल्ड वॉच निकला और उनका लाइट या फिर उनकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि ऑथर के चार्ली की आँखों में चुभने लगी. तो आगे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, एक डर्बी हैट. डर्बी हैट क्या होता है, ये शेप का जो हैट होता है ना उसको हम डर्बी हैट बोलते हैं. तो डर्बी हैट उन्होंने पहना हुआ था, साथ में जो सूट पहना हुआ था, उन्होंने जो कोट पहना था उसके केवल चार बटन थे, फोर बटन्स थे, और जिसके लैपल्स क्या थे, बहुत टीनी छोटे थे. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लैपल्स क्या होते हैं, तो ये जो फोल्ड हुआ है ना, ये जो एरिया है इसको हम लैपल्स बोलते हैं. तो ये बहुत ही टीनी मतलब छोटे थे ये उनके कोट के लैपल्स, और उनके बहुत बड़े और ब्लैक कलर के क्या थे, मुशेक थे, मीन्स उनके मूंछ थे, ठीक है. तो ये डिस्क्रिप्शन था उस मैन का जिन्होंने गोल्ड वॉच अपने पॉकेट से निकाला हुआ था. देन आई लुक्ड अराउंड एंड शॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. अब वो बोलते हैं कि उसके बाद वो उस स्टेशन में क्या करते हैं, सब लोग को देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं. तो एवरीवन सब लोग कैसे नज़र आते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस रहता है, मानो वो लगता है कि वो 1890 का है, ठीक है, मतलब वो अब पुराने ज़माने में आ गए हैं. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मुशेस इन माई लाइफ. आगे वो बताते हैं कि उन्होंने एक साथ इतने लोगों को बियर्ड में मतलब दाढ़ी में नहीं देखा था. साइड बंस क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन अपने साइड से बालों को बढ़ा लेता है और अपने मतलब कान के पास जो हम बढ़ा के रखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे साइड बंस होते हैं. तो वो बताते हैं कि ऐसे लोग जिनके बियर्ड्स हो, दाढ़ी हो, जिन्होंने साइड बंस रखा हो और जिन्होंने अपनी मूछें रखी हो, वो अपने लाइफ में एक साथ इतने लोगों को पहले कभी देखे ही नहीं रहते हैं. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. आगे वो बताते हैं कि एक वुमेन को देखती है, वो एक औरत को देखते हैं कि वो ट्रेन के गेट के पास रहती है या ट्रेन के गेट के पास जाते रहती है. तो उनका वो अब ड्रेसिंग सेंस मेंशन करते हैं कि वो क्या पहने रहती है, एक ऐसा ड्रेस, एक ऐसा कपड़ा पहने रहती है जिसका स्लीव्स मतलब जिसकी बाहें, जिसकी आस्तीन कैसे रहती है, लेग ऑफ मटन, मटन की टांग के जैसे उनका स्लीव्स रहता है. देख सकते हैं जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है. ओके, आगे वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो स्कर्ट्स पहने हुए थे, ठीक है, नीचे जो उन्होंने स्कर्ट वियर किया हुआ था, स्कर्ट्स टू द टॉप मीन्स स्कर्ट से लेके उनके टॉप तक कैसा था वो, हाई बटन शूज, ठीक है, हाई बटन शूज मीन्स आपका कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे इसे रहता है हमारे स्कर्ट का, तो यहाँ पे बटन्स रहते हैं. तो उन्होंने जो स्कर्ट्स पहना था तो ये स्कर्ट्स का पोजीशन है, और उन्होंने कुछ इस तरीके का हाई बटन शूज़ पहना था जिसका शूज़ का लेंथ कुछ इतना था, और यहाँ पे बटन्स होते हैं. तो ये डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने एक और वूमेन का कि इस तरीके का उनका वहाँ ड्रेसिंग सेंस था. आगे देखते हैं हम. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, a very small carrier and ifs locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. आगे
आगे जो चार्ली है वो एक्सप्लेन करते हुए ये बताते हैं कि जब वो वहाँ से वापस जाते हैं ट्रैक पे, ठीक है, ट्रैक क्या होता है, रेलवे ट्रैक आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे ट्रेन चलती है, तो जहाँ पे रेल चलती है या ट्रेन चलती है वो उस ट्रैक को हम रेलवे ट्रैक बोलते हैं। तो जब वापस से वो ट्रैक पे जाते हैं तो वो वहाँ पे ग्लिम्स देखते हैं, मीन्स एक झलक देखते हैं। किस चीज़ का झलक देखते हैं, वो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का वो एक झलक देखते हैं। लोकोमोटिव क्या है, अ वेरी स्मॉल करियर एंड इफ्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फनल तरीके का जो शेप लगा हुआ है इस ट्रेन के ऊपर, तो इस ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं। तो उसका ग्लिम्स, उसका झलक वो वहाँ पे देखते हैं। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। आगे अब उनको तो अभी तक ऑथर को ऐसा लग रहा था ना कि वो अब आगे हैं थर्ड लेवल पे और वो बहुत ही पुराने ज़माने में है, तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, अपने आप को श्योर करने के लिए, खुद को कन्फर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, एक न्यूज़ बॉय, न्यूज़ बॉय क्या होता है, जो पेपर बांटते होते हैं ना, तो वो न्यूज़ बॉय के पास वॉक करते हुए चलते हुए जाते हैं और वो उस पेपर को, ठीक है, पेपर का स्टैक मतलब पेपर का जो ढेर रहता है जो उसके फीट के पास रहता है, फीट के पास मतलब पैर के पास रहता है, वहाँ पे वो जाते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और वो जो पेपर देखते हैं ना, वो पेपर क्या रहता है, द वर्ल्ड पेपर रहता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे द वर्ल्ड पेपर का नेम है, ओके okay, तो जो वो पेपर उठाते हैं और वो देखते हैं वो पेपर द वर्ल्ड पेपर रहता है। और वो ये कहते हैं कि काफ़ी सालों से तो ये पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। आगे वो बताते हैं कि उस पेपर में जो स्टोरी लिखी हुई थी, जो कहानी लिखी हुई थी, वो किसके बारे में थी, तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, ठीक है। वो कौन थे ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो आपके एक प्रेसिडेंट थे और वो बहुत पहले प्रेसिडेंट थे। तो वो श्योर करते हैं खुद को कि द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर उनको मिला है वो तो बहुत सालों से पब्लिश भी नहीं हुआ है, और जिन प्रेसिडेंट का स्टोरी दिया हुआ है वो प्रेसिडेंट भी बहुत साल पहले प्रेसिडेंट थे। आगे वो देखते हैं किसको, फ्रंट पेज को, ठीक है। फ्रंट पेज में आपको पता ही है कि फ्रंट पेज में हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज में क्या होता है, डेट मेंशन होता है। इसलिए वो जो चार्ली रहते हैं उस पेपर का फ्रंट पेज सबसे शुरू वाला पेज पन्ना उठा देखते हैं और वो देखते हैं कि उसमें क्या डेट लिखे रहता है, June 11, 1894 का। 1894 मीन्स वो थर्ड लेवल पे पहुँच चुके होते हैं। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब वो क्या करते हैं, जैसे उनको पता चलता है, वो कंफर्म होते हैं कि फाइनली वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो क्या करते हैं उस टिकट विंडोज, ठीक है, देख सकते हैं आप, इस टिकट विंडो के पास वापस से जाते हैं और क्या करते हैं, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे वो पहुंच चुके होते हैं और वो वहाँ टिकट बाय करना चाहते हैं, टिकट खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ क्या कर सके, यूनाइटेड स्टेट में जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, मतलब अमेरिका में वो जहाँ भी जाना चाहते हैं वो अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं। इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग एलिनियस। अब वो 1894 में क्या करते करना चाहते थे कि वो दो टिकट चाहते थे, एक टिकट खुद के लिए और एक टिकट अपनी वाइफ लुइसा के लिए, ताकि वो गैल्सबर्ग एक एरिया का, एक जगह का नाम है, तो जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इलिनॉइज स्टेट पे लोकेटेड है, तो वो गैल्सबर्ग जाना चाहते थे, उसके लिए उनको टिकट खरीदना था। फर्दर यू हैव एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टील विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट। अब जो ऑथर है, मीन्स जो चार्ली है, वो हम लोगों से, मीन्स हम रीडर लोगों से पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप लोगों ने कभी वहाँ गया है।
अगर हमने नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हमको दिया गया है कि वो बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बहुत ही आश्चर्यजनक या फिर बहुत ही अच्छा शहर है। वहाँ बहुत बड़े बड़े क्या हैं, ओल्ड फ्रेम हाउस है, मतलब वहाँ के जो घर हैं उसका फ्रेम बहुत बड़ा है और वो घर भी बहुत बड़ा है। वहाँ ह्यूज लॉन्स हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, बहुत विशाल पेड़ हैं और उस पेड़ की ब्रांचेस, मतलब उस पेड़ की जो डालियां हैं वो इतनी बड़ी होती है कि हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए रूफ बना रही है, छत बना रही है। कंसिडर कीजिए इस इमेज से कि ये हमारे पेड़ हैं दोनों तरफ और इसके जो ब्रांचेस हैं वो आपस में मिल रहे हैं और आपस में वो जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है, एक रूफ बनाने का, एक छत बनाता है। तो ये ऑथर गेल्सबर्ग डाउन के बारे में हमको डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि गेल्सबर्ग डाउन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वेर ट्वाइस एज लॉन्ग, और वो बताते हैं कि 1894 में वहाँ जो समर इवनिंग, मतलब गर्मी के मौसम में जो शाम हुआ करती थी वो लगभग से क्या होती थी, बहुत लंबी होती थी और दुगनी होती थी। And people sat out on their lawns, the man smoking cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. आगे वो गेल्सबर्ग के बारे में ही हमको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना कि 1894 में समर में जो इवनिंग रहता था वो शाम बहुत लंबा हुआ करता था, वहाँ के सारे लोग, उस टाउन के सारे लोग अपने घर के बाहर लॉन में बैठा करते थे, जो मेंस लोग होते थे उन लोग क्या करते थे, सिगार कोई स्मोक करते थे और जो और आपस में शांति से बात करते थे। तो वहाँ के जो मेंस लोग रहते थे वो क्या करते थे, बाहर में सिगार का स्मोक करते थे और शांति से बैठ कर के बात किया करते थे, और जितने भी वुमेंस लोग रहते थे उन लोग क्या करते थे, पाम लीफ फैंस, ठीक है, पाम का जो पत्ता होता है उससे उन लोग क्या करते थे, फैंस पंखे बुना करते थे। और वहाँ पे जो फायर फ्लाइज रहती थी वो चारों ओर उड़ा करती थी और वहाँ का जो वर्ल्ड मीन्स वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही पीसफुल, शांति हुआ करता था। फायर फ्लाइज मीन्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं जो इंसेक्ट्स, जो जब उड़ते हैं या फिर होते हैं तो हमको एक शाइनिंग नज़र आता है, चमक नज़र आता है, उसी को हम फायर फ्लाइज कहते हैं। आगे देखते हैं हम, टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर देट। आगे हमको चार्ली ये बताते हैं कि जिस थर्ड लेवल पे वो पहुंच गए थे, मींस क्या हुआ कि वो हमारे पास्ट में, उनके पास्ट में पहुंच गए थे। आगे शेयर करते वो ये बताते हैं कि जिस जगह में थे, मतलब जिस समय में थे, वहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो लगभग से 20 साल बचे हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तो लगभग से 40 साल बचे हुए थे, ऐसा चार्ली मेंशन करते हैं। सो वो दो टिकट चाहते थे ताकि वो और उनकी वाइफ वहाँ जा सके। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर द टू कोच टिकट्स वन वे। आगे वो बताते हैं कि जो वहाँ पे क्लर्क था, मींस इस टिकट काउंटर में जो मैन था वो क्लर्क था, तो वो जो क्लर्क है वो ऑथर मींस चार्ली ने जो फेयर मींस जो किराया दिया था, मतलब टिकट खरीदने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं, तो चार्ली ने जब वो पैसा दिया था तो जो वो क्लर्क था वो उसको देख रहा था, ठीक है, उसके हेड बैंड को देख रहा था, जो उसने टोपी पहनी हुई थी, जो उसके बैंड थे उन सबको देख रहा था। और क्यों देख रहा था, क्योंकि वो तो पुराने ज़माने में थे, थर्ड लेवल में थे, और जो हमारे ऑथर थे वो तो मॉडर्न थे, ओके, तो उनका ड्रेसिंग सेंस वो इसलिए वो क्या कर रहा था, क्लर्क उनको स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। आगे हमको ऑथर ये शेयर करते हुए बताते हैं कि उनके पास जो अमाउंट था, जो पैसा था, वो इतना पैसा तो था कि वो दो टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गेल्सबर्ग जाने के लिए ही खरीद सकते हैं, वहाँ से वापस आने के लिए उनके पास और पैसे नहीं थे। But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. आगे अब क्या होता है, जब ऑथर उसको काउंट करते हैं अपने पैसे को कि उसे वो टिकट खरीद ले, तो जो वो क्लर्क रहता है उनको स्टेयर करने लग जाता है, उनको घूरने लग जाता है। He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to scheme me,
You won't get very far, and he glanced at the cash drawer beside him. आगे क्या होता है, जब वो अपना पैसा देते हैं, मतलब टिकट खरीदने के लिए जब ऑथर उनको पैसा देते हैं, तो वो क्लर्क उनको बताता है कि ये कोई पैसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो ऑथर के पास करेंसी था वो तो मॉडर्न करेंसी था, और जो कि वो थर्ड लेवल में थे, पास्ट में थे, तो पास्ट में तो वो पैसा चलता नहीं था, इसलिए वो क्लर्क बोलता है कि ये कोई पैसा नहीं है, और अगर आप मुझे धोखा देके यहाँ से भागना चाहते हो तो आप ज़्यादा फार ज़्यादा दूर तक भाग ही नहीं सकते, अदरवाइज वो उनको क्या करेंगे, जेल पे डाल देंगे। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। ओके, आगे ऑथर बताते हैं कि जो वो मनी था, ठीक है, वो क्या था, मॉडर्न था, और जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही ओल्ड पुराने थे, लगभग से उसका आधा हुआ करता था वो, और वो बहुत ही डिफरेंट लुक, मतलब अलग दिखता था, साइज में आधा हुआ करता था ना, और वो उसका लुक भी क्या था, बहुत ही अलग था। I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. उसके बाद क्या करते हैं वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से दौड़ते दौड़ते भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो बताते हैं कि 1894 में जो जेल था वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं था, तो वो जेल ना जाने के डर से क्या करते हैं, वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्र्यू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वॉरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। आगे क्या होता है, ऑथर जो रहते हैं दौड़ते दौड़ते वहाँ से भागते हैं, और उसी रास्ते में वो भागने लग जाते हैं जिस रास्ते से वापस, मतलब जिस रास्ते से वो थर्ड लेवल पे एंटर किए रहते हैं ना, उसी रास्ते में वो दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो थर्ड लेवल से बाहर निकल गए, अब दूसरा दिन होता है, नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे जब वो होता है तो अपने ऑफिस में लंच आवर के टाइम पे, मतलब जब उनको लंच का टाइम मिलता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने बैंक से $300 रुपीज़ विदड्रॉ करते हैं, मतलब अपने बैंक से $300 वो निकाल लेते हैं, और वो जाते हैं उस $300 से ओल्ड स्टाइल करेंसी को एक्सचेंज करने, ठीक है, मतलब वो जो पैसा रखे रहते हैं डॉलर, उसको वो अब ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं। और ये सब देख के जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड रहता है ना, उसको वॉरीड होने लगता है, उसको चिंता होने लगता है कि वो क्या कर रहा है, न्यू करेंसी को कन्वर्ट कर रहा है ओल्ड करेंसी में, और ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये सोच के उसका जो दोस्त रहता है वो बहुत ही वॉरी हो जाता है। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. अब वो उसका जो psychiatrist friend रहता है वो बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम old money, पुराने पैसे किसी भी coin dealer से क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन तुमको क्या देना होगा, प्रीमियम देना होगा। मीन्स हम लोग जब एक करेंसी को दूसरे करेंसी में हम लोग जब कन्वर्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे हमको जो कमीशन देना होता है, दैट मीन्स हियर इट इज़ प्रीमियम, उसी को हम यहाँ पे प्रीमियम कहा गया है, कि जब वो नए करेंसी को पुराने करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, उसको उसमें एक्सचेंज करवाएंगे, तो जो कमीशन के तौर पे उनको देना पड़ेगा वो आपका प्रीमियम होगा। माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। आगे ऑथर बताते हैं कि जो उनका $300 था वो $200 में, ठीक है, पुराने स्टाइल का जो पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उनका आज का $300 $200 में बदल गया था। बट आई डिडंट केयर, एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। लेकिन चार्ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे, मतलब पुराने ज़माने में, वो बताते हैं कि 1894 में जो एग्स थे, अंडे मिला करते थे, वो बहुत ही सस्ते मिला करते थे, सारी चीज़ें बहुत चीप हुआ करती थी, 13 सेंट्स में उनको डजन एग्स मिल जाया करते थे, इसलिए वो कहते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका $300 $200 में चेंज हो गया है, क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा चीप हुआ करती थी, सस्ती हुई करती थी। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. आगे ऑथर ये बताते हैं कि उस दिन के बाद उनको दोबारा से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिला,
उन्होंने वहाँ पे कई बार गए, ठीक है, वो वहाँ पे कई बार गए, कई बार उन्होंने कोशिश की उस थर्ड लेवल को ढूंढने की, लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि उनके बाद उनको कभी भी वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से मिस्ट्री आ गया। आप देख सकते हैं कि एक बार तो ऑथर वो थर्ड लेवल तक पहुँच भी गए थे, वहाँ वो रहे, वहाँ के लोगों को देखी, वहाँ उनके टिकट काउंटर को देखा, वहाँ का ओल्ड मनी देखा, उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आए और वापस उसी जगह पर गए तो वो थर्ड लेवल उनको मिला ही नहीं। अब आप लोग ये सोचिए कि क्या वो ऑथर का सिर्फ इमेजिनेशन था जो स्टोरी हम लोग रीड कर रहे हैं, जो स्टोरी उन्होंने बताया कि वो थर्ड लेवल पे गए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा टाइम स्पेंड किया, ये चीज़ देखें, तो क्या वो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे या फिर वाकई में वो थर्ड लेवल था और टाइम के हिसाब से वो गायब हो गया। तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, ये स्टोरी कंप्लीट होने के बाद में हमको पता चलेगा। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा स्टोरी। लुइजा वॉज प्रिटी वॉरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stems. अब क्या होता है, जैसे ये सारी बातें उसकी वाइफ लुइजा को पता चलती है, ठीक है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा, पहले तो वो वॉरीड हो जाती, चिंतित हो जाती है, और वो ऑथर को बिल्कुल मना करती है कि आज के बाद आप कभी भी वो थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए या फिर उस थर्ड लेवल के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद, मतलब ऐसा ट्राई करते रहने के बाद और उसकी वाइफ के मना करने के बाद, अब वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए वो अब रुक जाते हैं और वापस से वो किस में आ जाते हैं, अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले काम में वापस से लग जाते हैं। आगे देखते हैं हम। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब वो बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, एवरी वीकेंड मीन्स एवरी वीक के सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को दोनों वो उसको खोजने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ होता है, एक सबूत होता है कि वो थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मीन्स वो थर्ड लेवल एक्चुअल में है, इस बात का उनके पास सबूत होता है। अब वो सबूत, वो प्रूफ क्या है, अब हम आगे रीड करेंगे। My friend Sam Venner disappeared. अब उनका जो friend Sam रहता है, अब Sam कौन है, वही उनका friend जो कि psychiatrist था, okay? तो उनका जो friend रहता है psychiatrist friend, तो आप लोग confuse मत होइए, Sam उसी psychiatrist friend का name रहता है। तो वो Sam क्या होता है, अब disappeared हो जाता है, मतलब वो अब गायब हो जाता है अचानक से। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about girls' book. Okay, अब वो बोलता है कि किसी को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वो सैम कहाँ जाया रहता है, लेकिन सैम क्या रहता है, एक सिटी बॉय रहता है, शहर का लड़का रहता है, जिसको ऑथर ने गेल्सबर्ग के बारे में, ठीक है, गेल्सबर्ग जो शहर है ना, उसके बारे में ऑथर ने सैम को, उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताया था कि आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब ऑथर बताते हैं कि वो क्या किए थे, वहाँ का स्कूल गए थे, और ये भी बताते हैं कि वहाँ प्लेस का जो साउंड था, उस जगह की जो आवाज़ थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ही सही था। 1894 में गेल्सबर्ग में सब कुछ बहुत ही अच्छा था। Because one night, fusing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब वो बताते हैं कि एक रात को जब वो स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहे थे, तो उसी रात पे अब क्या होता है, वो देख लेते हैं एक और कोई वन सॉरी फर्स्ट डे कवर देख लेते हैं, ठीक है, वो एक फर्स्ट डे कवर देख लेते हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर एक्चुअल में क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। अब आगे हमको ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे कवर एक्चुअल में क्या है। मैंने इस स्टोरी के स्टार्टिंग पे ही आपको शॉर्ट रिव्यू दिया था, यहाँ पे वही मेंशन है कि फर्स्ट डे कवर वो होता है जो कि एक नया स्टैम्प जब इशू होता है, मतलब रिलीज़ होता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स रहते हैं, जो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, उन लोग खुद क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं और ख़ुद को ही उन लोग मेल करते हैं,
ठीक है, एनवेलप टू देम सेल्स, खुद को ही उन लोग क्या करते हैं उस एनवेलप को, लेट अस एज्यूम दैट कि ये हमारा फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे कवर है, और जिस दिन ये स्टैम्प, ठीक है, जिस दिन एक स्टैम्प, स्टैम्प कुछ इस साइज़ का होता है, जिस दिन एक स्टैम्प इशू होता है, रिलीज होता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स लोग रहते हैं, जो इन स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, उन लोग उस स्टैम्प को खुद को ही क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं खुद को ही, ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, मीन्स जिस दिन ये स्टैम्प रिलीज हुआ, जिस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ, तो वो स्टैम्प कलेक्टर उसी दिन उस स्टैम्प को खुद को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं, भेज देते हैं खुद को. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसमें जो पोस्ट मार्क रहता है, ठीक है, यहाँ बीच में जो पोस्ट मार्क रहता है, देख सकते हैं आप, इसमें भी, इसमें जो पोस्ट मार्क रहता है उसमें डेट मेंशन रहता है. The envelope is called a first day cover. और ये जो envelope होता है, ठीक है, जिसमें का पोस्ट मार्क का डेट और भेजने का जो डेट होता है, ये दोनों आपस में सेम होता है, और इसी envelope को हम लोग फर्स्ट डे कवर कहते हैं. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. और ये जो फर्स्ट डे कवर होता है ना, उसको कभी खोला नहीं जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक एनवलप, एक लिफाफा होता है, इसके अंदर कुछ भी पेपर्स नहीं होते हैं, इसलिए इस फर्स्ट डे कवर को कोई कभी ओपन करता ही नहीं है. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर बट देयर इट वॉज. आगे वो बताते हैं कि उसी रात को, ठीक है, उनके बहुत सारे फर्स्ट डे कवर के साथ उनको एक और क्या मिलता है, फर्स्ट डे कवर मिलता है, जो कि उससे पहले वो कभी था ही नहीं. मीन्स ऑथर जो थे वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनके पास और भी फर्स्ट डे कवर था, तो उस रात को जब वो स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि वो फर्स्ट डे कवर इससे पहले उनके पास कभी था ही नहीं, लेकिन वो उस दिन उनके पास था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. और वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने क्या किया था, उनके grandfather को, ठीक है, वो first day cover mail किया था, मतलब उनके grandfather को वो first day cover भेजा था उनके home के address में, जो कि उनका home कहाँ था, Galesburg में था. That's what the address on the envelope said. और ये सब उनको कैसे पता चला, उस एनवलप के एड्रेस से उनको पता चला कि उनके ग्रैंडफादर के एड्रेस में किन्हीं ने फर्स्ट डे कवर को मेल किया हुआ था. आगे देखते हैं हम. इट हैड बिन देयर सिंस जुलाई 1884. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडन रिमेंबर इट एट ऑल. आगे वो बताते हैं कि वो जो एड्रेस या फिर उसमें जो डेट लिखा हुआ था वो कब का था हमारा, जुलाई 1894 का था, जो कि किससे पता चल रहा था, पोस्ट मार्क. मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एनवलप के बीच का जो मार्क होता है वो पोस्ट मार्क का होता है, तो उसी पोस्ट मार्क से हमको डेट का पता चला, और जो कि उनको कभी याद नहीं था. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. आगे वो स्टैम्प का बता रहे हैं कि इस तरीके का कुछ आपका स्टैम्प था, जिसमें ऐसे देख सकते हैं आप 6 सेंट्स थे, जो डल ब्राउन मतलब बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का था, और उसमें जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनका पिक्चर उस स्टैम्प में लगा हुआ था. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. आगे वो बताते हैं कि जो उनके, हमने पहले ही पढ़ा कि उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो उसी को ही बताते हैं, जब उनके ग्रैंड डैड के पास, मतलब उनके ग्रैंडफादर के जब वो पास वो एनवलप आया था, इट वेंट राइट टू हिज कलेक्शन, तो उन्होंने अपने कलेक्शन पे ही क्या कर दिया था, उसको रख दिया था, और वो कलेक्शन पे ही था, उसको उन्होंने कभी ओपन नहीं किया था, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि फर्स्ट डे कवर को ओपन नहीं किया जाता है. द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक इट रीड. और उसमें, मतलब हमने ये देखा था ना कि फर्स्ट डे कवर जो हो रहते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते, उनको खोला नहीं जाता है, क्योंकि उनके उसके अंदर कुछ भी पेपर नहीं रहता है, वो सिर्फ एक कवर रहता है, एक लिफाफा रहता है. तो वो आगे ये बताते हैं कि जो वो फर्स्ट डे कवर उनको मिला था ना, उसके अंदर जो पेपर था वो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी. और वो क्या चीज़ें थी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉक्स था, ये पेपर आपके बुक में भी गिवन है, आप रीड कर सकते हैं.
चार्ली। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चार्ली लिखा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, 1941 विलियार्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1894। जो डेट हमने पढ़ा हुआ था वही डेट लिखा हुआ है, गैल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ है। आइए रीड करते हैं एक्चुअल में इस पेपर में क्या लिखा हुआ था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड अवर फॉर लेमनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। अब ये किसने लिखा रहता है, यस आपको तो इसको रीड करके पता ही चल गया होगा, ये लिखा है सैम ने, जो कि आप हमारे ऑथर के कौन थे, चार्ली का कौन था, एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो कि उनको बोलता था कि वो सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं, थर्ड लेवल तो होते ही नहीं है। तो ये लेटर लिखा रहता है सैम ने, और वो कहते हैं कि वो पूछते हैं, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, वो बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि तुम अच्छे होगे, ठीक है, और वो बताते हैं कि चार्ली ये सही है, ये ट्रू है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। अब देखिए हमारी स्टोरी का जो मिस्ट्री था, रहस्य था, वो हट गया, उनको थर्ड लेवल क्या होता है मिल जाता है। वो बताते हैं कि वो पिछले 2 हफ्ते से वही थर्ड लेवल पे हैं, जो कि उस स्ट्रीट के डाउन में है, नीचे में है, वहाँ उस थर्ड लेवल में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक नेली होम है एंड आई एम इन्वाइटेड, और किसी लोग ने उनको क्या किया है, आमंत्रित किया है लेमोनेड के लिए, ठीक है, और वो चार्ली और लुइसा को भी वहाँ बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम थर्ड लेवल ढूंढते रहो, तुमको थर्ड लेवल मिल जाएगा, और बिलीव मी, मेरा यकीन करो कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। द नोट इज साइंड सैम, और ये नोट किसने लिखा था, सैम ने लिखा हुआ था। तो ये फर्स्ट डे कवर के अंदर उनको ये ब्लैंक, सॉरी ये पेपर उनको मिलता है। At the stamp and coin store I got two. I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. आगे बताते हैं हमको चार्ली, ऑथर शेयर कर रहे हैं कि जब वो स्टैम्प, ठीक है, मतलब वो कॉइन के स्टोर पे जब गए तो वो क्या पाते हैं, वहाँ जाते हैं तो जो सैम रहता है, मतलब उनका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त रहता है, उनका फ्रेंड रहता है, वो $800 को क्या करे रहते हैं, ओल्ड स्टाइल करेंसी में उसको कन्वर्ट किए रहते हैं, एक्सचेंज किए रहते हैं। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विज्ड ही कुड डू। आगे वो बताते हैं कि जो $800 उन्होंने एक्सचेंज किया था ओल्ड करेंसी से, उससे वो क्या कर सकते हैं, वो थर्ड लेवल पे, मतलब वो पास्ट में पहुंच चुके हैं, तो वो उतने पैसे से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ सेट हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना एक लिटिल, सॉरी वो लिटिल हे फीड एंड ग्रेन का एक बिज़नेस कर सकते हैं, खुद का एक बिज़नेस व्यापार चालू कर सकते हैं, जिसमें वो लिटिल हे कुछ घास रखेंगे, कुछ अनाज रखेंगे और कुछ फीड मीन्स जो चारा होता है, मीन्स एनिमल के लिए जो हम फीड करते हैं, देते हैं, इन सब चीज़ों का वो वहाँ पे अच्छा खासा बिज़नेस चालू कर सकते हैं, ऐसा चार्ली बताते हैं हमको, क्योंकि वो जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनको बताया था, दैट्स वॉट ही रियली विज्ड ही कुड डू, कि वो कभी ना कभी उस चीज़ को, वो उस बिज़नेस को वो अपने लाइफ में करना चाहते थे, एंड ही सडनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिज़नेस, और वो अपने ओल्ड बिज़नेस पे, ठीक है, अब उनका ओल्ड बिज़नेस क्या था, मीन्स वो साइकाइट्रिस्ट थे ना, तो वो अपना साइकाइट्रिस्ट वाला काम थर्ड लेवल पे अपने पास्ट में नहीं कर सकते थे, नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, ठीक है, गैल्सबर्ग में 1894 में, गैल्सबर्ग में वो अपना ओल्ड बिजनेस साइकियाट्रिस्ट वाला वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते थे, हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट, क्यों नहीं कर सकते थे अपना ओल्ड बिजनेस, क्योंकि सैम क्या थे, साइकियाट्रिस्ट थे,
ओके स्टूडेंट, तो इसी के एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मिस्ट्री था कि वो थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या वो थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हमने फर्स्ट डे कवर से क्लियर कर लिया कि वो थर्ड लेवल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और जो उसका फ्रेंड था सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट था, वो ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था कि वो थर्ड लेवल होता भी है। वो उसको क्या बोलता था, चार्ली को, कि ये तुम्हारा सिर्फ इमेजिनेशन है। और एट लास्ट हमने इस स्टोरी में देखा कि वो जो खुद सैम था वो क्या किया था, वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका था और वहाँ पे उन्होंने खुद लुइसा और चार्ली को वहाँ बुलाया था। तो हमारा ये मिस्ट्रियस स्टोरी कंप्लीट होता। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।